जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं, जो कि कल के लिए यानी 30 अगस्त 2022 के लिए होने वाली है। ट्यूसडे है कल, और कल मार्केट का क्या ट्रेंड है, बुलिश रहेगी बियरिश रहेगी, कल किसकी बारी है बुलिश की या फिर बियरिश की, ट्यूसडे की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद में वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। एनालिसिस मेरी बेज है पीसीआर वैल्यू एप्शन चेन डेटा के साथ साथ तमाम सारे टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन पे, तो इसलिए एक्यूरेसी हमारी 95%+ ही रहती है। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई किसी भी वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। क्योंकि यहां पर दोस्तों वीडियो तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे एनालिसिस की, लेकिन यहां पे जिस प्रकार से हम एक्यूरेट प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं वो मुझे लगता है कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। प्रूफ के तौर पे आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप अभी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद 2-4 दिन परफॉर्मेंस देखिए मेरा क्या रहता है रिस्पॉन्स, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि हमारे साथ बने रहना या फिर नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं कल के कुछ क्षणों के बारे में। सीधा हम लेवल्स आपको बताएंगे, या फिर अगर आप डायरेक्ट लेवल जानना चाहते हैं तो 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर देंगे तो सीधा मैं लेवल पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। अदरवाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कि आपको लाइव मार्केट में काफी हेल्पफुल रहेंगी या फिर हेल्प करेंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, मैंने बताया हुआ था कल का लेवल, मैंने कहा था कि 38,200 के नीचे जाएगी तो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर 38,000 के नीचे मार्केट क्लोज हुई है तो मार्केट का ट्रेंड जो है नीचे जाना चाहिए, इसलिए मैं पीई बाय करता हूं या फिर पीई मैंने बाय किया है, इसमें लॉस हो गया, इसमें ये हो गया, ऐसा 2-3 लोगों ने मुझे भेजा है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने मुझे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जिन्होंने वीडियो एकदम केयरफुली देखा हुआ था या फिर वीडियो को सीरियस लिया हुआ था। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एकदम सीरियस लीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा जरा सा भी, क्योंकि चीजें अगर आप समझ नहीं पाएंगे डायरेक्ट लेवल नोट करेंगे उस लेवल में मैं क्या बता जाता हूं मुझे खुद भी नहीं पता होता, इसलिए मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूं रास्ते खुलते जाते हैं, ऐसा होता ही रहता है मेरे साथ और आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए आप अच्छे जगह पे आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके हमारी अपडेट्स पाते रहने के लिए आल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। देखिए, मैंने बताया हुआ था कि 38,200 का ये जो लेवल है, 38,200 का ये लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट आएगी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। और मैंने नेक्स्ट लेवल क्या बताया हुआ था नीचे की साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि मार्केट 37,000 तक भी जा सकती है, लेकिन मैंने इसके नेक्स्ट इसका लेवल बताया हुआ था 37,500 का लेवल मैंने बताया हुआ था इसके नीचे। लेकिन एक चीज आप सभी लोगों ने नोट की होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट की है मिस कर गए हैं तो आज मैं बता दूं, मैंने ये भी बताया था, वीडियो को अगर पूरा देखेंगे जाके तो आप सभी को समझ में आएगा। बैक में जाने के बाद में मैंने ये सपोर्ट लेवल एक बताया हुआ था आप सभी को, एकदम एक बार नहीं 2-4 बार 3 बार मैंने कन्फर्म कराया था कि ये सपोर्ट लेवल काफी जगह सपोर्ट का काम कर रहा है। और 15 मिनट, ये तो अभी 5 मिनट की कैंडल्स हम आप सभी को दिखा रहे हैं, लेकिन 15 मिनट और आधे घंटे पर भी यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट बन रहा था। इसलिए मैंने बताया था कि इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो 37,500 जाएगी तो, लेकिन यहाँ पे जो 38,000 का सपोर्ट बन रहा था, 38,000 का सपोर्ट एकदम बहुत तगड़ा सपोर्ट बन रहा था। मैं कई दिन से चिल्लाता आ रहा हूँ और वीडियो में बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि 38,000 का ये अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स जा सकती है ऊपर की ओर, और वही हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ओपनिंग कराती है, उसके बाद नीचे कहाँ तक जाती है आप देख सकते हैं। मार्केट जो है नेचर्स लॉ पे डिपेंड है, जो पीछे होता चला आया है सेम उसी तरह चलती है मार्केट, बस आपको आपका व्यू पकड़ना है, आपको कैच करना है कि कहां से क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं सेम पॉइंट से यहां से वापस हुई है या नहीं हुई है, ये लेवल मैं ऐसे ही नहीं बता देता हूं आप सभी को, तमाम सारा एनालिसिस करने के बाद में वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस का वेट किया करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया है, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप सभी का प्यार बना रहे, इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं और अच्छी खासी एनालिसिस करता हूं। तो ये देखिए, यहां से मार्केट जो है कितनी तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग कराई थी, उसके बाद फिर से ऊपर गई, क्या रेंजेस हुई, तो सेम इसी प्रकार से हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे नेचर्स लॉ होता है, नेचर में जो चीजें होती हैं प्रकृति में वही चीजें दोहराई जाती हैं, कई बार आप सभी लोग जानते हैं, कई बार मैं समझाने का प्रयास करता हूं। फिलहाल मैंने बताया हुआ था कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है तो कभी भी 38,500 या 39,000 के लेवल को टच कर सकती है, लेकिन मैंने बताया था कि 38,400 का ये जो लेवल है ये काफी क्रिटिकल लेवल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 38,200 के लेवल के ऊपर ही मार्केट रुकी है, यहीं पे बार बार आके ऊपर जा रही थी और फिर से यहाँ पे आई है, फिर ऊपर गई है और फिर यहाँ पे आने का प्रयास की और फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ पे आने का प्रयास की और फिर ऊपर गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि मैंने ये जो लेवल बताया था ऐसे ही नहीं बता दिया था कि ये लेवल जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है, ये लेवल स्टॉप लॉस
के जगह पे आप यूज कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन जो जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा था उनको मैंने सुबह ही अपडेट करा दिया था कि आज मार्केट में रिस्क है, थोड़ा संभल के चलिएगा। तो अपडेट तो मैं कराया करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से। वहां पे लेवल्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कराया करता हूं रेगुलर बेसिस पे, और 95%+ की एक्यूरेसी के साथ मैं वहां पे लेवल्स आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं। एक दो दिन चार दिन रह के बन के जुड़ के देखिए वहां पे क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही। अब आप कहेंगे सर यहां पे एसएल हिट हो गया है, तो एसएल यहां पे हिट हुआ है लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है मेरे भैया। यहां पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल क्लोज करी है, उसके बाद में तुरंत जो है ग्रीन कैंडल यहां पे 5 मिनट की बनाई है। अगर मैं इसे 5 मिनट पे हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद अगर हम 15 मिनट पे लेते हैं तो इस चार्ट को आप इस तरह से देख पाएंगे। देख रहे हैं यहां पे रेड कैंडल के बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और ये जो रेड कैंडल है उससे कहीं सॉलिड ये ग्रीन कैंडल है, तो यहां पे ये फेक ब्रेकआउट पकड़ा जा सकता है। तो फेक ब्रेकआउट पकड़ने का भी कई सारे लॉजिक्स होते हैं, कई ट्रिक्स होते हैं, मैं इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूं कि फेक ब्रेकआउट कितने तरीकों से पकड़ा जाता है, तो वो सारी चीजें भी धीरे धीरे सिखाऊंगा। एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करने का प्रयास नहीं कर पाता हूं। चलिए अब कल के लेवल्स नोट कर लेते हैं, जो लेवल नोट करने आए हैं वो नोट कर सकते हैं। देखिए मेरा सिंपल सा एक तरीका है, मार्केट जहां पे रेंज बाउंड होती है वहां पे मैं एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूं। यहां पे बॉक्स नहीं ड्रा करता हूं, तो यहां पे मैं ऐसे लेवल यहां पे ड्रा कर लिया हूं सपोर्ट के तौर पे। यहां पे आप सभी को मैंने ये लाइन से यहां पे ड्रा कर ली है, तो ये लाइन है 38400, मतलब 38400 पे हमने ये लाइन ड्रा की हुई है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो अपसाइड के चांसेस बन रहे हैं मार्केट में ऊपर जाने के। इन केस मार्केट अगर इस एसएल पॉइंट के नीचे ही आ जाती है, तो कई बार आप देख रहे हैं कि कई बार ठोकर मार चुकी है नीचे की तरफ लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। अगर इस बार ब्रेक की तो फिर नीचे और जा सकती है। तो एक पॉइंट तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं कि अगर 38200 के नीचे गई तो नीचे जाएगी, और अगर 38400 के ऊपर गई तो फिर ऊपर जाएगी, चाहे मार्केट ओपनिंग ही ऊपर या नीचे कराए या फिर इसके बीच में ओपनिंग कराने के बाद में नीचे या ऊपर जाए। चीजें मेरी समझिएगा, जो समझ में ना आए वो कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया करता हूं, वहां पे मैं आपसे सभी से चैट सपोर्ट के माध्यम से भी कनेक्ट रहता हूं। तो घबराने की कोई बात नहीं, यहां पे आप सभी का पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप बात कर लेते हैं कि अगर ऊपर की ओर जाती है तो कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखिए अगर 38400 के ऊपर जाती है तो फिर मार्केट कभी भी 39,000 भी जा सकती है। मतलब 39,000 का मतलब समझते हैं कि मार्केट 1,000 पॉइंट अगर मूव कर जाती है, 500 पॉइंट मूव कर जाती है, तो बैंक निफ्टी के लिए क्या है? बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट तो नॉर्मल बेसिस पे मूव कर ही देती है। तो अगर 38,400 के ऊपर गई तो 39,000 के टारगेट यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहे हैं, मतलब 39,100 का टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। लेकिन छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं जो कि बेहद रोल प्ले करते हैं ज्यादा प्रॉफिट बुक करने में, क्योंकि आप में से कई सारे लोग मैक्सिमम लॉस बुक करते होंगे और मिनिमम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ कि इसमें आप सभी लोग अपनी पोजीशंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि ये लेवल्स आप खुद भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाला जाता है इस पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। CPR इंडिकेटर होता है, उसके थ्रू बहुत सारा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तमाम सारे बिग बुल्स भी उसे फॉलो करते हैं, मैं भी उसे फॉलो करता हूं, यहां तक कहता हूं। तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी वो, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो। अदरवाइज यहां पे आई बटन पे कहीं ना कहीं आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप सभी को, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 38400 के ऊपर जाती है या फिर 38400 के ऊपर ब्रेक करती है तो किस रास्ते से होकर जाएगी 39,000 या फिर 39,100 का हमने जो लेवल बताया है, तो वो ये लेवल है। अगर इसके ऊपर जाती है तो पहले आपको यहाँ पे 38640 का लेवल देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर से नीचे आ सकती है, फिर ऊपर की ओर जा सकती है। मतलब अभी मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेवल्स नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। 38400 के बाद में आपको लेवल देखने को मिलेगा 38640 का, देन इसके बाद आपको मिलेगा ऊपर का टारगेट 38850 का, 38850 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चीजें जो आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ वो सिंपल एक चीज है कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए। इनकेस ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको 39100 का लेवल यहाँ तक देखने को
मिल सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट कीजिएगा। अदरवाइज आप मान के चलो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाए, इस लेवल को ब्रेक किया और कॉल की पोजीशन ले लिए, तो 38640 पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल रहा है। जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तब ऊपर की ओर फिर आप कॉल बना सकते हैं, या फिर आप रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं, बार बार ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाइए और फिर पुट थोड़ा सा लीजिए, फिर कॉल के लीजिए, फिर ट्रेंड पकड़िए। ट्रेंड पकड़ना आप रेगुलर बेसिस पे अगर हमारी वीडियो देखते हैं या फिर देखेंगे तो स्वयं आप ट्रेंड पकड़ लेंगे या फिर ट्रेंड को पकड़ना जान जाएंगे धीरे धीरे। तो ये ऊपर के लेवल्स हो जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने ये ऊपर के लेवल्स नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए हैं तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, जरूर आपको लेवल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें कौन से सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो 38200 यानी 38200 का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इनकेस नीचे आता है तो ये मैंने जो लेवल बताया हुआ था ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है, तो इसलिए 38000 तक आ सकती है मार्केट, उसके बाद फिर से रिवर्स कर सकती है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं 38000 के नीचे, मतलब 38000 के नीचे अगर मार्केट आती तो कौन से लेवल हमें देखने को मिलते हैं। ये लेवल हमें आपको हमें देखने को मिलेंगे, इधर ऊपर 39000 था और नीचे है 37100, मतलब 37100 तक मार्केट जा सकती है अगर मार्केट 38000 के नीचे आती है तो, मतलब 38000 के नीचे आती है तो 37100 के लेवल को टच कर सकती है। लेकिन किस रास्ते से होकर आएगी वो रास्ता भी मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आएगी 37700 पे, ये लेवल नोट कर लीजिएगा 37700 पे, फिर आएगी 37400 का, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, देन आपको मिलेगा 37100 का लेवल। फिलहाल यहाँ पे हम इंट्राडे लेवल्स प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं, तो इंट्राडे मींस कल के लिए वीडियो होने वाली है, तो कल यहीं तक मार्केट रहने वाली है या फिर इन्हीं रेंजेस के बीच में मार्केट रहेगी। इनकेस 100% अगर नहीं कुछ भी कन्फर्म होता है तो मैं आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से जो है अपडेट कराने का प्रयास करता हूँ या फिर अपडेट कराया करता हूँ, तो वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। इससे ज्यादा कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं वहाँ पे अपडेट कराने का प्रयास करूंगा जरूर। चीजें अगर समझ में ना आए तब आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई सजेशन है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर वीडियो को देख लिए हैं तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, अदरवाइज लाइक कर दिए तो वेरी वेरी थैंक यू। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।